गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी अरेबियन टी20 लीग के 35वें मैच के बारे में, जो खेला जाएगा आईसीसी एकेडमी दुबई में। और यह मैच खेला जाएगा मिड ईस्ट मेटल वर्सेस गोल्डन स्पैरो टेक्निकल सर्विस के बीच। यह मैच ग्रैंड लीग पर्पज से अच्छा है और इस वीडियो का पूरा देखना, अंत तक देखना, जिससे आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिलेगी। पहले बात करते हैं इस वेन्यू की, तो वेन्यू का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 151 रन, यानी लो स्कोरिंग वेन्यू है। यह मैच 6:45 पे स्टार्ट होएगा आज ही के दिन। अब बात करते हैं पहली टीम मिड ईस्ट मेटल की, जो इस टूर्नामेंट में अपने 4 मैच खेली और 4 में से 3 मैच खेली जीती है और 1 मैच यह हार के आई है। ओपनिंग करने आ रहा है इनकी तरफ से फैजान आवर, जिसका ओवरऑल रिकॉर्ड 26 मैचों का है, जिसमें 978 रन मारे 37 की एवरेज से और 6 ओवरों की गेंदबाजी कराते हुए 4 विकेट लिए। बॉलिंग बहुत कम डालता है, बैटिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर देगा। इस टूर्नामेंट में यह 4 मैच खेला है, जिसमें 175 रन बनाए और 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 0 विकेट है। नेक्स्ट प्लेयर है कुर्राम ख्वाजा, यह भी एक अच्छा खासा बैट्समैन है, जिसने 26 मैचों में 310 रन बनाए, 99 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 35 विकेट लिए। यह आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देगा और विकेट टेकर बॉलर है और ओपनिंग भी कर रहा है साथ ही, तो सीवीसी का भी एक अच्छा चॉइस है। फिलहाल बैटिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, पर कभी भी यह प्लेयर बड़ी पारी खेल सकता है। रिकॉर्ड की बात करें इस टूर्नामेंट की, तो 4 मैच खेले जिसमें 42 रन बनाए और पूरे 16 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 5 विकेट लिए। नेक्स्ट प्लेयर है हरुण अल्ताफ, जिसने 12 मैच में 187 रन मारे 15 की एवरेज से। इस टूर्नामेंट में इसने 3 मैच खेले जिसमें 53 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 1 विकेट लिया था। नेक्स्ट प्लेयर है फरहान बाबर, नंबर 4 पर बैटिंग करने आया था, जिसका 14 मैचों का अनुभव है, जिसमें 324 रन बनाए 23 की एवरेज से। इस टूर्नामेंट में यह 4 में से 3 मैच खेला है, जिसमें 130 रन बनाए, 44 की अच्छी एवरेज है। इस टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म है और पुराना रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, तो इसको भी अपनी टीम में जरूर शामिल करना। नेक्स्ट प्लेयर है अली अनवर, जिसका 26 मैचों का अनुभव है, जिसमें 459 रन बनाए, साथ ही 58 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए इसने 18 विकेट लिए हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट में 4 के 4 मैच खेले जिसमें 94 रन बनाए बैटिंग करते हुए और बॉलिंग से 15 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 5 विकेट लिए। लगभग सभी मैचों में इसने अपने कोटे के 4 ओवर डाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर है मैनुअल सादिक, जिसने 14 मैच में 259 रन बनाए, 13 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 8 विकेट लिए हैं। इस टूर्नामेंट में इसने 1 मैच खेला है, जिसमें 11 रन बनाया था और 4 ओवर की गेंदबाजी करी और 1 विकेट लिया था। यह भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ करके देगा, यह भी एक अच्छा पिक है आपके लिए। नेक्स्ट प्लेयर है आवेश नूर, जिसने 7 मैच खेले, 97 रन बनाए हैं और रिसेंट फॉर्म देखे इसकी इस टूर्नामेंट की, तो 4 के 4 मैच खेला है, जिसमें मात्र 27 रन बनाए और 3 ओवर की गेंदबाजी कराई है खाली और 1 विकेट लिया है। नेक्स्ट प्लेयर है तराह खान, जिसने 26 मैचों में 239 रन बनाए और 86 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट लिए। यह ओवर कराता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में फिलहाल 4 मैचों में 1 भी ओवर नहीं कराया है, पर किसी भी मैच में ये ओवर करा भी सकता है और विकेट भी ले जाएगा, इसलिए इसको अगर खेलता है तो आप किसी ना एक दो टीमों में डालना। नेक्स्ट प्लेयर है बासित अली, जिसने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 14 रन मारे और 31 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 14 विकेट लिए। अच्छा विकेट टेकर बॉलर है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो 4 मैच में 16 ओवरों की गेंदबाजी करी है, मतलब हर मैच में इसने अपने कोटे के 4 ओवर डाले, जिसमें इसने 4 विकेट लिए थे। नेक्स्ट प्लेयर है मोहम्मद कासिम, जिसने 19 मैचों का अनुभव है, जिसमें 45 रन बनाए, साथ ही 55 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 10 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में लास्ट मैच खेला था, जिसमें 1 मैच में इसने 4 ओवर की गेंदबाजी करी और 3 विकेट लिए थे। यह भी एक विकेट टेकर बॉलर है, अगर खेलता है तो यह भी आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर उमर हयात, जो खाली बैटिंग से कंट्रीब्यूट करता है और बैटिंग रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, नंबर 11 पे बैटिंग करना आया ही नहीं था। ओवरऑल रिकॉर्ड 15 मैच का है, जिसमें 79 रन मारे इसने 5 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म 3 मैच का है, जो इसी मैच टूर्नामेंट में खेला है और 5 रन की पारी खेली है टोटल मिलाकर। बैटिंग कुछ खास नहीं करी है, इसको बैटिंग का मौका भी नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, बेंच पे कुछ प्लेयर है जिनको 1-2 मैच खेलने का मौका मिला है इस टूर्नामेंट में, और अगर आज मौका मिलता है तो उनके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको नए प्लेयर के स्टेट्स के साथ साथ हमारी फाइनल टीम भी आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, बेंच पे इनों का है रिजवान खान, सलमान साइद, जो इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेला था, रसीद महमूद, अतीकुर रहमान, जोर महमूद, इसके अलावा साकिल भट्ट और मोहम्मद इब्रान, नुमान खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आसिफ और फैजान अली,
मोहम्मद आसिफ जूनियर। नेक्स्ट टीम है गोल्डन स्पैरो टेक्निकल सर्विस, जिसने इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले जिसमें से मात्र एक मैच जीती और 2 मैच हार के आ रही है। नेक्स्ट ओपनिंग करने आ रहा है अब्दुल हाफिज आफरीदी, जिसने 7 मैच में 107 रन बनाए, 12 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए। पहले मैच में इसने 28 रन की पारी खेली और शुरुआती 2 मैच यह नहीं खेला था। नेक्स्ट प्लेयर है मोहम्मद इमरान ओडी, जिसका ओवरऑल रिकॉर्ड 123 मैचों का है, जिसमें 2,798 रन 25 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म देखे इस टूर्नामेंट की तो 3-44-3 है, यह भी एक अच्छा प्लेयर है, इसको भी चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर है इरफान अशरफ, जिसने 67 मैचों में 1,336 रन बनाए 30 की एवरेज से और 14 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट की बात करें तो 51 रन की पारी खेली, 2 ओवरों की गेंदबाजी करी पहले मैच में और विकेट लेस गया था, बाकी दोनों मैचों में विकेट नहीं मिले और बॉलिंग नहीं करवाई थी, 6 और 5 रन की पारी खेली। सफर तारी के एक अच्छा बैट्समैन है, विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छा पिक है और ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 75 मैचों का, जिसमें 2,185 रन बनाए, 44 की एवरेज है शानदार और 33 ओवर डाल के 14 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में एक मैच खेला था जिसमें इसने 50 रन की पारी खेली थी, लास्ट मैच खेला जो। नेक्स्ट प्लेयर है सलमान रंधावा, जिसका T10 का रिकॉर्ड है, जिसमें 8 मैच में इसने 100 रन मारे और 7 ओवरों की गेंदबाजी कराते हुए 3 विकेट लिए। पिछले मैच में इसने 7 रन मारे, 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 0 विकेट लिए थे। नेक्स्ट प्लेयर है सौजे बालम, जिसका T10 का रिकॉर्ड है 14 मैचों का, जिसमें 168 रन बनाए 12 की एवरेज से। इस टूर्नामेंट में 3 के 3 मैच खेला जिसमें 44, 6, 52 रन की पारी खेली और पहले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 2 विकेट लिए थे, बाकी के दोनों मैचों में इसने बॉलिंग नहीं करवाई। नेक्स्ट प्लेयर है सैयद एम सकलैन, जिसने 98 मैचों में 2,237 रन बनाए 31 की एवरेज से और 52 विकेट लिए 118 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए, यानी आपको हर मैच में लगभग बॉलिंग डाल के देगा। रिसेंट फॉर्म देखे इस टूर्नामेंट का तो पहले मैच में 3 रन की पारी खेली, दूसरे में 2 रन की, तीसरे में 6 रन नबाद की। पहले मैच में बॉलिंग नहीं कराई, दूसरे में 4 ओवर की गेंदबाजी करी 2 विकेट लिए और लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराई 0 विकेट लिए। नेक्स्ट प्लेयर सफ़ीउल्ला नूर, जिसने 88 मैचों में 136 रन मारे, 87 ओवर की गेंदबाजी विकेट लिए, 279 ओवर डालते हुए, यानी हर मैच में लगभग अपने कोटे के 4 ओवर डाले। इस टूर्नामेंट में पहले मैच में इसने ओवर नहीं डाले, दूसरे मैच में 3 ओवर डाल के 2 विकेट और लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के 4 विकेट लेके गया था, यह भी आपके लिए एक अच्छा पिक है। सनी आजम, दोनों मैचों में 4-4 ओवर की गेंदबाजी करी है और एक डिफरेंशियल के तौर पर अच्छा पिक है, 4 मैच में 22 रन मारे और 5 विकेट लिए 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए। नेक्स्ट प्लेयर है मलिक मुबैन, जिसने 254 मैच खेले हैं और 267 ओवर की विकेट लिए हैं 740 ओवर की गेंदबाजी करते हुए। इस टूर्नामेंट में 3 मैच में तीनों में 4-4 ओवर की गेंदबाजी करी, जिसमें 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट लेके गया है। नेक्स्ट प्लेयर है जुबेर खान, जिसका रिसेंट फॉर्म पिछले मैच का, जिसमें 2 ओवर की गेंदबाजी करी थी और 0 विकेट लिए थे। बेंच पे भी कुछ इनके प्लेयर है, मोहम्मद फारूक, शान असगर अगर खेलता है तो यह भी एक अच्छा पिक है। इंतजार अली, 3 ओवर की गेंदबाजी भी करी पहले मैच में और 16 रन की पारी भी खेली थी और 3 विकेट लेके गया था, यह भी एक अच्छा पिक है। बजाज भट्ट, अरसलान बिल्ला, सैयद मुकद्दम, वकास अहमद, अली मुजारम और अबरार महमद, इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो इन सभी के स्टेट जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक हम हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे डाल रखा है और साथ ही वीडियो के बायो में भी हमने दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डेमो टीम की, तो डेमो टीम इस मैच की कुछ इस प्रकार है और यह हमारी डेमो टीम है। मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारी फाइनल टीम हमारे चैनल के टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से लिया है सफ़र तारिक, बल्लेबाजी सेक्शन से लिया है इरफान अशरफ, फैजान आवन, एस आलम। ऑलराउंडर्स हमने 4 पिक कर ले, अली अनवर, कुर्रम ख्वाजा, मानुअल सादिक, सलमान रंधावा, सफ़ीउल्ला नूर, बासित अली और मोहम्मद कासिम। ठीक है, ये सभी प्लेयर को लिया है, अगर इनमें से कोई चेंज होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे और हमारी फाइनल टीम भी वहीं मिलेगी। वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप करके, जिससे आपको टीम बनाने में आसानी हो और सभी प्लेयरों के बारे में आप अच्छी तरह से जान सकें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।